सो ही गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर आपके कॉपी में क्या क्या देखकर आपको पास करता है और क्या देखकर फेल करता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जो टॉपर निबंध अगर लिखता है तो वो 7 नंबर का निबंध है तो उसे पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाता है, वहीं आपको कितने नंबर मिलते हैं, 3 से 4 नंबर मिलते हैं। तो आपने क्या गलती करते हो कॉपी लिखते समय और कॉपी में क्या देखकर एग्जामिनर खुश हो जाता है और क्या देखकर आपके नंबर को काट देता है या आपको फेल कर देता है। ठीक है, देखो मैं 5 बिंदु पर बात करूंगा जो कि मैं सभी एग्जामिनर से बात किया। ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, सभी बोर्ड के एग्जामिनर से बात किया और उन्होंने बताया कि मात्र इन 5 चीज़ों को हम देखकर ही पूरे नंबर दे देते, एक भी नंबर हम नहीं काटते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि आपने कॉपी की शुरुआत कैसे किया। ठीक है, एग्जामिनर ने बताया कि कॉपी शुरुआत करने का तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ठीक है, और टीचर देखो कॉपी में क्या देखकर खुश हो जाता है और क्या देखकर आपको फेल कर देता है। और तीसरा बात करेंगे कि जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता था, ठीक है, उसे आपको नहीं लिखना चाहिए या लिखना चाहिए। अगर पेपर में दूसरा तीसरा और चौथा प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको कॉपी की शुरुआत कहां से करना है, या जिस प्रश्न का उत्तर आधा आता हो या बिल्कुल नहीं आता हो तो उसके प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने, उसे लिखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और बात करते कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी में भर भर कर पैसा रखते हैं। पैसा रखने से क्या मिलता है, नंबर मिलते हैं, इंक्रीज होते हैं या नंबर आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड में हैंडराइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और आपको टीचर क्या क्या देखकर आपके नंबर काटते और क्या देखकर खुश हो जाते, ये चीज़ें की पूरी डिटेल्स वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक स्केल लेनी है, स्केल लेने के बाद बगल में ब्लैक पेन से साइड लाइन खींच लेना, एक स्केल की दूरी लेके, एंड जो भी प्रश्न आप कर रहे हो जैसे जो भी खंड कर रहे हो, ठीक है, जो भी खंड जैसे खंड ब कर रहे हो तो आपको एक नए पेज से शुरुआत करना है और ऊपर खंड ब डाल देना है। ठीक, जैसे यहाँ पे खंड क डाला गया है तो खंड क इस तरह से आपको डाल देना, और जितने भी खंड जैसे खंड क हो गया, खंड क हो गया, खंड ब हो गया, इन सभी को नए पेज से शुरुआत करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई सबसे मेन चीज़ें, और शुरुआत के ना 2 से 3 पेज आपको क्या करना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना वो काफ़ी एग्जाम में फास्ट होते हैं और उनको पर कॉपी चेक करने का 10 रुपया मिलता है। ठीक है, 10 से 11 से 12 रुपये मिलते हैं, तो ऐसे में देखो क्या करता है एग्जामिनर कि काफ़ी फास्ट होता है और शुरुआत के अगर 2 से 3 पेज आप अच्छे लिखे रहोगे ना तो आपको क्या समझेगा ये एक अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं रहोगे, ये एग्जामिनर नहीं जानेगा कि आप टॉपर हो, अपने क्लास के मॉनिटर हो, आपकी कॉपी बताएगी कि आप कैसे स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आप लो से लो स्टूडेंट हो तो भी अगर कॉपी लिखने का सही तरीके को आपने फॉलो किया है तो टीचर और आपके माता पिता भी घबरा जाएंगे कि इसके इतने नंबर आ कैसे गए। ठीक है, क्योंकि आपने सही तरीके को फॉलो किया है इस वीडियो को देखकर कॉपी लिखने का। तो ये तरीका होते हैं कि आपने क्या किया, प्रश्न जो इतने भी खंड है, खंड अ ब स सबको नए पेज से स्टार्ट करना है, एंड जितने भी आप प्रश्न कर रहे हो जैसे आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर डाल दिया, एंड डालने के बाद आपको कितने लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। ठीक है, 2 से 3 लाइन छोड़ा जाता है लेकिन 3 लाइन अगर छोड़ोगे तो बेस्ट लगता है। ठीक है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद जो किया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के आपके 2 से 3 पेज की हैंडराइटिंग बिल्कुल सुंदर होना चाहिए और प्रश्नों को आप जितनी कोशिश हो सके ना सीरियल से करना कोशिश करो। अगर आपको जिससे देखो दूसरा पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं वहीं से शुरुआत कर दो, लेकिन एग्जामिनर कब खुश होता है जब आप सीरियल से कॉपी को लिखते हो, प्रश्नों को सीरियल से करते हो, क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास जो भी प्रश्न चेक करता है ना उसको फ्रंट पेज पर वो चढ़ाता है कि इस 2 नंबर के क में इन्होंने 3 नंबर प्राप्त किया। ठीक है, देखो जितना भी एग्जामिनर आपके कॉपी पर समय देता है ना तो आपके वो नंबर काटता है, तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी कि एग्जाम में सीरियल जितना हो सके कोशिश हो सके, अगर नहीं आता कोई प्रश्न का उत्तर तो उसके लिए आप गैप छोड़ दो। ठीक है, खाली जगह छोड़ दो, बाद में अगर आप सोच कर लिखना चाहते हो या बना कर लिखना चाहते हो तो बाद में लिख देना, लेकिन जो भी कोशिश हो सके सीरियल से करना। ठीक है, तो और शुरुआत के और आपको क्या करना है, कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें वो फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि प्रश्न उत्तर ना आने पर क्या करते हैं कि विनती लिख देते हैं, सर मुझे पास कर दो, मैं बहुत कमज़ोर छात्र हूँ, सर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाया। तो ऐसे में ये चीज़ें लिखने से कोई लव स्टोरी लिख देता है, कोई पत्र लिखता है, कोई पैर पकड़ता है, तो ऐसे चीज़ें करने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखो जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता उसके उत्तर कैसे आपको लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, जिस भी
प्रश्न, जो भी कोई प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी जानते हो, या आपने बोर्ड एग्जाम से पहले कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, या आपने कभी उससे रिलेटेड क्लास में सुना है, या उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है, ठीक, उसके शब्द में टूटी फूटी, या अपने से कुछ आपके दिमाग से आता है कि इसके ये चीज़ें होने चाहिए, ठीक है, तो आप लिख दो। अगर आप दो नंबर के क्वेश्चन है अगर आप छोड़ कर आओगे तो उसका कितना मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी बना कर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपको एक सेट एक नंबर देना तय है, ठीक है, एक नंबर दे देता है। और आपको कॉपी की हमने बताया कि शुरुआत कैसे करना है, और जो भी प्रश्न आधा आता उसको भी लिखो, ठीक है, जितना आता उतना लिखो, क्योंकि अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन है अगर आधा लिखते हो तो ढाई नंबर मिलेगा, अगर छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था आपको कैसे लिखना है। और बात कर लेते हैं कि कॉपी में पैसा रखने से क्या मिलता है, नंबर मिलते हैं या नंबर कट जाते हैं, ठीक है। देखो, कॉपी में पैसा रखने का कोई मतलब नहीं होता है, ना ही एक नंबर बढ़ते हैं ना ही एक नंबर घटते हैं, ठीक है। टीचर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, पैसा आपके रख लेता है, जो इसको भी पैसा मिलेगा वो तो भाई रख ही लेगा, ठीक है। तो आपको देखो, बोर्ड एग्जाम में अगर हैंड राइटिंग खराब है या कब कितना नंबर हैंड राइटिंग पर कटता है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग पर कब नंबर कटते हैं। अगर आपके हैंड राइटिंग को टीचर पढ़ ले रहा है, ठीक है, और आपकी जो क्वेश्चन है दो नंबर के हैं तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर चार नंबर के हैं तो आधा नंबर कटने के चांसेज रहेगी, बिल्कुल पुअर से पुअर हैंड राइटिंग पर। अगर वहीं आपकी हैंड राइटिंग एवरेज हैंड राइटिंग है, ठीक है, एवरेज का मतलब कि जैसे ये कॉपी आप देख रहे हैं जो चल रही है, चलते हुए लिखा है, तो आपके इस पर एक भी नंबर नहीं कटते, ठीक है, पूरी पूरी नंबर मिलते। और आपको बोर्ड एग्जाम में वर्ड लिमिट, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हो गया असहयोग आंदोलन, ठीक है, या गांधी जी के तीनों आंदोलन को लिखना है, तो वो तीनों आंदोलन दो नंबर का पूछा है तो वो पूरी डिटेल्स पढ़ कर गए होते हैं और पूरी डिटेल से लिख देते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना। इसमें आपका नंबर तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो बोर्ड में, ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आ रहा है वो छूटने के 110% चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करना है। और बात कर लेते कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन से लिखना चाहिए। देखिए, पेन का सेलेक्ट यानी चयन करते समय बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम आता है और नए नए से बढ़िया बढ़िया से महंगे महंगे पेन ले लेते हैं हैंडराइटिंग अच्छी लिखने के लिए, ठीक है। अगर महंगे पेन से हैंडराइटिंग अच्छी बैठती तो अमीर घर के बच्चे सभी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है और वो अवार्ड जीत चुके होते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, ये गलती कभी नहीं करना। बोर्ड एग्जाम जैसे आते हैं तो आप क्या करो, जिस पेन से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है आज से ही उस पेन से लिखना स्टार्ट कर दो, उसी पेन से लिखो, क्योंकि वो पेन आपके हाथों में बैठे रहेगी और कंफर्टेबल महसूस होगी, आप उसे जल्दी जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। नए पेन लोगे हाथ में नहीं बैठा रहेगा और उससे आप अच्छी हैंडराइटिंग बनाकर नहीं लिख पाओगे, तो इस चीज़ का आपका ध्यान देना है। और बोर्ड की एग्जाम में कभी भी रंगीन पेन का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे छात्र होते हैं जैसे लाल यूज कर दिए, हरा यूज कर दिए, रंगीन पेन का यूज कर दिए, तो ऐसे में आपको टीचर फेल कर देगा, ठीक है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो, आपके बोर्ड की कॉपी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर मैथ में क्वेश्चन ही कॉपी पर लिख देते हो तो उसके भी आधा नंबर मिलते हैं। ऐसे में आपको सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, जो आता उसको भी, जो ना आता उसको बनाकर लिखना है। एंड शुरुआत दो से तीन पेज में ना आपको कटपीट बिल्कुल नहीं करना और अच्छे से बिल्कुल लिखना है।